नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुन्ना। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंदन दौरे पर हैं। बता दें कि 28 सितंबर तक लंदन में अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। इस बारे में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिश्न ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन में रोड शो का कार्यक्रम है और निवेशकों के साथ वो बैठक भी करेंगे। इस दौरान सीएम धामी उद्योग, पर्यटन, कृषि, आयुष जैसे विभाग में किस तरह से निवेश हो सकता है उसको लेकर विचार मंथन करेंगे। उत्तराखंड राज्य विकास की ओर अग्रसर है और राज्य में लोगों की आर्थिकी मजबूत हो, यहाँ कल कारखाने, उद्योग धंधे स्थापित हों, इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा काफी अथक प्रयास किए जा रहे हैं। और एक भविष्य में इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन किया जाना है उसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने अधिकारियों के साथ इंग्लैंड के दौरे पर हैं और वहाँ उनके द्वारा कल रोड शो किया जाना है, वहाँ के उद्यमियों के साथ उनकी बैठक होनी है, सेमिनार और वर्कशॉप होनी है और उत्तराखंड राज्य के बारे में वो जानकारी भी देने वाले हैं कि राज्य में उन्होंने जो यहाँ लैंड बैंक स्थापित किया है, जो सुविधाएं उद्योगपतियों को देने वाले हैं, उद्यमों को देने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में है और दूसरे उद्योगों के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं उससे फायदा मिलने वाला है और अपने राज्य में उद्योग लगने वाले हैं, काफ़ी संख्या में उद्यमी आने वाले हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली शारदा नदी, जिसे महाकाल नदी भी कहा जाता है, इस नदी में अंतर्राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 सितंबर को होगा और ये प्रतियोगिता 27, 28 और 29 सितंबर को 3 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर जहां जिला प्रशासन की ओर से संबंधित सभी विभागों से सामंजस्य बनाकर आयोजन स्थल पर पेयजल व्यवस्था से लेकर लाइट व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और प्रसाधन व्यवस्था के लिए जोरों शोरों से कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं प्रतियोगिता के संचालन के लिए टनकपुर में नियुक्त किए गए उत्तरकाशी के साहसिक खेल अधिकारी मोहम्मद अली खान ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अब तक पूरे देश और नेपाल से 15 टीमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत 3 तरह के रिवर राफ्टिंग इवेंट आयोजित किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए की जा रही तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस इवेंट को प्रमोट किया जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों मार्च के महीने में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शारदा नदी में रिवर राफ्टिंग करने का आनंद लिया था और आने वाले समय में शारदा नदी में बड़े पैमाने पर रिवर राफ्टिंग जैसे साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने की बात कही थी। इसी वादे के तहत आगामी 27, 28 और 29 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मेरे प्यारे चंपावत और उत्तराखंड के वासियों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्यारे टनकपुर में नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप का 27 से 29 सितंबर 2023 तक आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में देश भर से राफ्टिंग की 15 से अधिक प्रमुख टीमों ने अपनी प्रतिभागिता की पुष्टि कर ली है, जिनके बीच काली नदी पर एक महत्वपूर्ण रोमांचक मुकाबला होगा। इस आयोजन को और भी खास बनाने के लिए चंपावत के खूबसूरत गांव चूका में पहली बार एंगलिंग मीट का आयोजन हो रहा है, जहां हम अपने देश और विदेश के मात्स्यिकी के शौकीनों को भी बुला रहे हैं। राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य चंपावत को एक नया पर्यटन स्थल बनाना है और हमारे सांस्कृतिक धरोहर को प्रमोट करना है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में साहसिक खेल, सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रदर्शन के द्वारा मनोरंजन का आनंद उठा सकेंगे। यह आयोजन कई विभागों के बीच सहयोग और साझेदारी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जैसे उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद तथा जिला प्रशासन चंपावत, जिला पर्यटन विकास समिति चंपावत, मत्स्य पालन विभाग उत्तराखंड, वन विभाग उत्तराखंड। मैं आप सभी को टनकपुर चंपावत में राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए हम साथ मिलकर इस अनुपम अवसर का आनंद उठाएं और चंपावत को
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन में एक नया आयाम दें। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस पर्यटन के महोत्सव में हिस्सा बने, हमारे साथ एक सुंदर और यादगार क्षण का आनंद उठाएं। जय हिंद। लगभग 15 से 20 टीमें आ रही है जो अलग अलग राज्यों की, पैरामिलिट्री की है, मिलिट्री की है, नेपाल की टीम भी आ रही है। इसकी प्रतियोगिता 27, 28, 29 को होगी। 27 तारीख को उद्घाटन होगा, उसी के साथ उसका मैराथन रेस होगी जो चूका से बूम तक होगी, लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। सेकेंड इनका इवेंट है स्प्रिंट्स रेस जो 10 से 15 किलोमीटर के बीच में, जो चरणबंदी से लेकर के और बूम तक होगी। थर्ड इवेंट है इसमें सलालम, जो बहुत टेक्निकल इवेंट है, उसको कराया जाएगा। यहाँ पर ये बाटा गार्ड है, उसके नीचे से काली गंगा में एक अच्छा रैपिड है जिसमें के गेट लगा करके उनके बीच से रापटे गुजरेगी और अपना टाइम देगी। गेट होंगे लगभग 10 से 15 गेट लगाइए। SSB, ITBP, DSF, उत्तराखंड पुलिस, SDRF, हिमाचल प्रदेश की टीम आ रही है, दिल्ली की टीम आ रही है और MP की टीम भी आ रही है इसमें और JNK। उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत ने सदन में BJP सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने संसद और उसकी परंपराओं का घोर अपमान किया, वे बेहद निंदनीय है। ऐसे सांसद को सांसद से ही नहीं उस पार्टी से भी निलंबित कर देना चाहिए और इस हेड स्पीच के लिए उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रावत ने PM मोदी से भी ऐसे सांसद पर कठोर कार्रवाई की अपील की है। इसके अलावा रावत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार चुनावों से भागती हुई नजर आ रही है क्योंकि देश के 6 राज्यों में कांग्रेस सरकार आ रही है, यही कारण है कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से महिला आरक्षण बिल को भी तत्काल लागू करने की अपील की। हम 5 के 5 प्लस हो, जम्मू कश्मीर में भी आज चुनाव होते हैं तो 6 के 6 कांग्रेस जीत रही है और उसी का कारण तो है वन नेशन वन इलेक्शन, ये उसी का तो परिणाम है। जो भयभीत सत्ता है वो चुनाव से भाग रही है, उनको मालूम है ये 5 राज्यों में कांग्रेस जीतने जा रही है। आजकल कांग्रेस के नेताओं में अंगड़ाइयां बहुत देखी जा रही हैं, कई दिनों बाद ये जोश देखा जा रहा है, ऐसा क्या? आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। राव जी प्रमोद कृष्णम जी ने कहा है कि जो लोग सनातन को गाली दे रहे हैं वो राक्षस के समान है। सनातन धर्म हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमको सनातन परंपराओं पर गर्व है और जहाँ सनातन में कुछ विकृतियाँ आई हैं, सनातन धर्म ने स्वयं उन विकृतियों का निदान निकाला है, जिसमें से एक जो है छुआछूत भी था, छुआछूत के खिलाफ और नारी के प्रति जो असम्मान था, वो दोनों को जो है सनातन धर्म में जो विकृतियाँ आई थी कानून बना करके उसका प्रतिकार किया गया। महिला आरक्षण बिल को लेके क्या कहेंगे? हम स्वागत करते हैं और हम तो कह रहे हैं बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते, अब एक काम करो, 2024-2029 किसने देखा, 2024 की बात करो, आओ 2024 में ही उसको लागू करो और उसमें जो है जो सामाजिक न्याय के का सिद्धांत गायब है वो सामाजिक न्याय की व्यवस्था करिए, उसका प्रोविजन करिए। रुड़की में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बसपा सांसद दानिश अली पर BJP सांसद की ओर से की गई बयानबाजी की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि BJP सरकार को ऐसे सांसद को निष्कासित करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि BJP सरकार कार्रवाई करेगी, नहीं तो हम इस मामले को जनता की अदालत तक लेकर जाएंगे। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रुड़की से मेयर पद के उम्मीदवार रविंद्र खन्ना ने कहा कि जिस तरह की भाषा का BJP सांसद की ओर से सांसद दानिश अली के लिए इस्तेमाल किया गया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और BJP सरकार को चाहिए कि ऐसे सांसद को निष्कासित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद का संसद में जो आचरण है वो निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को निष्कासित करे और उनके खिलाफ हेट स्पीच के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करे। यदि उनमें जरा सा भी संसदीय आचरण के प्रति गंभीरता है उसके प्रति संबंध क्या मानते हैं भाजपा, कार्रवाई करनी चाहिए, हम आवाज़ उठाएंगे।
जनता के दरवाजों में लेकर के जाएगी। ये भाषा का जो प्रयोग है इसका विरोध कर रही है और कह रही है भाजपा को कि अपने उस सांसद को निष्कासित कर पार्टी से बाहर बर्खास्त किया जाए। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर गठित प्रवर समिति का कार्यकाल कल खत्म हो रहा है, जबकि समिति रिपोर्ट देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि समिति को 15 दिन का समय दिया गया था जिसकी अभी तक केवल एक ही बैठक हो पाई है। ऐसे में समिति ने मांग की है कि समिति का कार्यकाल एक माह के लिए और बढ़ाया जाए। इस बात की जानकारी संसदीय और कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। बता दें कि अग्रवाल समिति के अध्यक्ष भी हैं। उधर इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर सरकार कतई भी गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में जो आरक्षण का बिल लाया गया है वे केवल हाईकोर्ट के निर्देश पर लाया गया है और अब उससे बचने के लिए सरकार ने प्रवर समिति का गठन किया है जो कि समय पर मांग रही है। आंदोलनकारियों के क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर जो प्रवर समिति मेरी अध्यक्षता में थी हमने एक बैठक उसकी की है और चूंकि अभी अंतिम निर्णय तक हम नहीं पहुँचे तो उसके जो 15 दिन हमें मिले थे 25 सितंबर को पूरे हो गए। उस बीच रिपोर्ट जो हमें माननीय अध्यक्ष जी को देनी नहीं दे पाने की स्थिति में हमने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किए हमें उसके लिए कुछ समय और दिया जाए ताकि प्रवर समिति की वो बैठकें जो हमें अभी करनी है और अपना निर्णय ले सकें। तो माननीय अध्यक्ष जी को हमने आग्रह किया जैसे उनका समय हमें मिलेगा फिर हम बैठक करेंगे और उस तदुपरांत रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को प्रेषित उनके हित में निर्णय लेने के लिए कतई गंभीर नहीं है। हम तो धन्यवाद करेंगे माननीय उच्च न्यायालय का, उसके निर्देश पर सरकार कार्रवाई कर रही है, उनको उसके निर्देश पर आरक्षण देने की बात कर रही है और आरक्षण को टालने के लिए क्षतिज आरक्षण जो आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए उसको टालने के लिए प्रवर समिति का निर्माण कराया गठित करवाई और प्रवर समिति की एक बैठक हुई अभी तक। अगर सरकार गंभीर होती तो जल्दी से जल्दी प्रवर समिति की बैठकें कराकर उस पर निर्णय लेना चाहिए सरकार को, लेकिन हमारा आरोप है सरकार कतई गंभीर नहीं है। वो टालमटोल कर रही है, उसको लिंगर ऑन करना चाहती है, लंबित रखना चाहती है, उसमें कोई निर्णय करना नहीं चाहती है और आंदोलनकारियों के हितों पर और शहीदों की भावनाओं पर सरकार कुठाराघात कर रही है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लोक निर्माण विभाग को 30 नवंबर तक सड़कों के गड्ढे मुक्त करने और शहरी विकास विभाग को शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक और कूड़ा निस्तारण के लिए जल्द से जल्द एक मजबूत सिस्टम तैयार करने के लिए सख्त हिदायत दी है। इसके साथ ही ACS ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं को तेजी से पूरा करने के लिए शासन स्तर से धरातल स्तर तक समय सीमा निर्धारित की जाए, मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन को शीर्ष प्राथमिकता पर लिया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा बैठकों के क्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में लोक निर्माण शहरी विकास आवास और औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को विभागीय सचिव के स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल के योगदान और संघर्षों को याद करते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी, मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत और बीजेपी नगर महामंत्री मनोज बाधवा समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल को प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जो हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, आज पूरी देश भर में भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन को मना रही है और ये एक स्वच्छता पखवाड़े के रूप में हम इसको मनाते आए हैं। पहले पिछले वर्ष भी हमने मनाया था, अभी मना रहे हैं और विगत वर्षों से मनाते आ रही है पार्टी और इसके माध्यम से हम पूरे देश में प्रदेश में एक संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश में तरक्की और अमन के लिए कार्य कर रही है और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब लोगों ने उनको मनाया।